डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अजमेर के कोतवाली पुलिस थाना ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी शमशेर खान के अनुसार विगत 11 अगस्त को नाबालिग पीड़िता को उसके परिजन जेएलएन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे, जहां उसके मेडिकल के बाद मेडिकल जूरिस्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी थी। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। आज पुलिस ने आरोपी वासुदेव को गिरफ्तार किया है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ में जुटी है और इसके बाद इसे अदालत में पेश किया जाएगा। दिनांक 11 को एक पीड़िता जेएलएन अस्पताल गई थी। अस्पताल में डॉक्टर साहब ने हमें सूचित किया, जिस पर पीड़िता के पर्चा बयान लिए गए। पर्चा बयान पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में पोक्सो का होने से मेडिकल जाँच इत्यादि कराई जाकर आरोपी वासुदेव को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसे हम सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। पीड़िता ने क्या वारदात बताई थी अपने साथ होना नाबालिग है? पीड़िता नाबालिग है, वह अपने साथ दुष्कर्म होने की घटना उसने बताई है, उसी पर हमने प्रकरण दर्ज किया है।